हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माय स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार के संविदा कर्मचारी जिन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है और जिनका वेतन बढ़ने वाला है, उनसे जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पुराने वार्ड सचिव, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, बेल्ट्रॉन, डेटा एंट्री ऑपरेटर, आउटसोर्सिंग कर्मी, कार्यपालक सहायक, टोला सेवक, तालीमी मरकज, बिजली विभाग, मानव बल, रात्रि प्रहरी, पार्ट सदस्य, पंच, किसान सलाहकार, ग्रामीण, चिकित्सक, अतिथि शिक्षक, बिहार सैप पुलिस, न्याय मित्र, आशा कार्यकर्ता, विशेष सर्वेक्षण अमीन, बिजली विभाग, मानव बल, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय स्टाफ, जीविका कर्मी अमीन, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत संविदा कर्मी और वार्ड सदस्य तथा NHM के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले पुराने वार्ड सचिव के बारे में अपडेट दे दें तो बिहार के पुराने वाले वार्ड सचिव का केस अभी चल रहा है और उनके वकील महोदय पुराने वार्ड सचिव के मामले को अगली सुनवाई तक निपटाने के मूड में हैं। हालांकि इसमें पुराने वाले वार्ड सचिवों के पक्ष में फैसला आने की उम्मीद भी बिहार के वकील संघों के द्वारा किया गया है। और दोस्तों, ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र की बात करें तो इन सभी का जो कार्यरत कर्मी का सेवा विलेख अभी तैयार हो रहा। और देखिए, सरकारी कार्य है, इसमें देर होती है, लेकिन इस बार सेवा विलेख बनने में कोई देर नहीं दिख रही है। बहुत जल्द इनका सेवा विलेख बनेगा। ग्राम कचहरी और न्याय सचिव का अगर जिन भी कर्मी का सेवा विलेख का कागज अभी तक जमा नहीं किया गया है तो जिला पंचायती राज कार्यालय में कागज, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, पता करके जमा कर दें कि आप सभी का सेवा विलेख बन रहा है और इसी आधार पर आपका वेतन भत्ता जो भी बढ़ेगा उसमें ये सर्वमान्य होगा। अब बात आती है DEO यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर का, तो इन सभी कार्यरत कर्मियों को भी सेवा विलेख के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इनको भी सेवा विलेख बनने के बाद कार्मिक विभाग के द्वारा जो लाभ दी जाएगी उसमें ये भी सहभागी होंगे और लाभ के पात्र होंगे। जहां तक बात है टोला सेवक और तालीमी मरकज की, तो शुरू में सरकार इनके सेवा विलेख को जरूरी नहीं मान रही थी, लेकिन कर्मियों के विरोध को देखते हुए इनके सेवा विलेख बनाने को सरकार राजी हुई है और इनका भी सेवा विलेख बनेगा। बिजली विभाग के मानव बल की बात करें तो इनका सेवा विलेख नहीं बनेगा, क्योंकि इनके बारे में सरकार ने कोई भी ऐसा निर्देश अभी तक जारी नहीं किया है। आगे हो सकता है कि इनका सेवा विलेख जारी हो। दोस्तों, हम बार बार कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, किस समय अपडेट कौन सी आएगी इसमें आपको पता होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार के हर एक संविदा कर्मी, चाहे वो किसी भी विभाग में है, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि राज्य में BJP और JDU की सरकार है और JDU माइनस में है और BJP प्लस में, और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार के संविदा कर्मियों को नियमित करने को लेकर भी भाजपा जोर लगा सकती है। नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नीतीश कुमार BJP के दबाव में है और उन्हीं के दबाव में फैसला लेंगे, इसलिए जुड़े रहें और साथियों में इस जानकारी को शेयर करें। कोशिश यही होती है कि सामान्य तरीके से जो आपको समझ में आ जाए उसे आप तक पहुँचाया जाए। वार्ड सदस्य की बात करें तो जहाँ तक वार्ड सदस्य में ये असमंजस की स्थिति थी कि उन्हें उनके अधिकार से वंचित भी किया जा सकता है, तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें उनके नल जल योजना सहित जो भी योजना थी उन्हें उनके अधिकार मिलते रहेंगे। अब बात आती है किसान सलाहकार और अतिथि शिक्षकों का, तो इनका भी सेवा विलेख बनना शुरू हो चुका है और उन्हें किसी तरह के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। इनके बारे में भी शिक्षा विभाग पत्र जारी कर चुका है और इनका सेवा विलेख शिक्षा विभाग के सामान्य समन्वय से ही बनेगा और इन्हें इनके सेवा विलेख से पूरा लाभ भी मिल पाएगा, जैसे नियमितीकरण और वेतन भत्ता बढ़ोतरी है। सैप जवानों की बात कर लें तो इनका मानदेय वृद्धि करने के पक्ष में वित्त विभाग प्रस्ताव जारी कर चुका है। सेवा विलेख में थोड़ा असमंजस है, क्योंकि गृह विभाग से ऐसा कोई पत्र भी कार्मिक विभाग के पास नहीं पहुँचा है। कोई भी जानकारी नहीं आई है कि सेवा विलेख सैप जवानों का भी बनेगा। आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन तो मिलेगा, लेकिन इनका सेवा विलेख नहीं बनेगा। हालांकि कोविड के दौर में इन्होंने काफ़ी काम किया था और लोगों को कोविड से बचाने में अहम भूमिका भी निभाई थी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जो भी इसमें छूट गए हैं संविदा कर्मी, कमेंट में अपने प्रश्न को रखें, उनका जवाब मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप बिहार में संविदा पर कार्यरत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही कम समय में बिहार के संविदा कर्मी से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहती है।